हाय नेचुरल ब्यूटीज, कैसे हैं आप सब। मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल तो पढ़ लिया है ना, ये सभी के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, हेयर फॉल और हेयर लॉस बोलो। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको एलोपेशिया कहते हैं। क्या हेयर फॉल पूरी तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो आजकल ही नहीं, ये हेयर फॉल बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हर किसी के लिए, हर एज में। इसका कोई एज फैक्टर नहीं होता है कि पर्टिकुलर एज में बहुत ज्यादा होता है करके, नहीं। स्कूल गोइंग गर्ल्स से लेकर जब आप ओल्ड एज में भी जाते हो तभी भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना जरूर, क्योंकि मैं आपको एक DIY इंस्टेंट हेयर ऑयल फॉर हेयर फॉल बताऊंगी और हेयर ग्रोथ के लिए भी बताऊंगी, जो मैं ज्यादातर यूज करती हूँ। DIY हेयर ऑयल्स की रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हेयर फॉल क्या सभी को होता है? हाँ, सभी को होता है। क्या एक ही एज में आता है? नहीं, इसका कोई एज फैक्टर नहीं होता है। उसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? एक मेजर कारण ये हो सकता है कि आप हेयर केयर ठीक से कर ही नहीं रहे हो। आपका एक बार आप देख लो कि आप अपना हेयर केयर ठीक से कर रहे हो या नहीं। मिनिमम वीकली ट्वाइस तो आपको हेयर वॉश करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर आप अपने हेयर में डस्ट ऐसे जमा कर रखोगे तो इजीली आपका हेयर लॉस होने का चांसेस होता है। आप कौन सा हेयर शैम्पू यूज कर रहे हो एक बार वो भी देख लो, उसके इंग्रेडिएंट्स भी देख लो, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉट ओनली फॉर शैम्पूज, आप जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करो प्लीज डू चेक देयर इन्ग्रीडियंट्स। आजकल सभी को स्ट्रेस है, मॉर्निंग से लेकर रात को सोने तक हम स्ट्रेस में रहते हैं। किसी किसी को तो ठीक से नींद भी नहीं आती बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। क्या आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई है तभी भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी। हेयर फॉल की प्रॉब्लम एज जब बढ़ता रहता है तभी भी होता है हेयर फॉल। एज भी एक ऐसा फैक्टर है जो हेयर फॉल का कारण हो सकता है, क्योंकि हम जब ओल्ड होते रहते हैं तो हम इतना ठीक से केयर नहीं करते जितना हम यंग एज में करते हैं। सो ऑब्वियसली एज बढ़ता रहेगा और हेयर फॉल होता रहेगा अगर आप ठीक से उसको केयर नहीं करोगे। आप कोई मेडिकेशन में हो, क्या आप हाई डोज मेडिसिन ले रहे हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, तभी भी हेयर फॉल होने का बहुत बड़ा चांसेस होता है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि मैं अपने चैनल में अपना लाइफ स्टोरी भी शेयर करूंगी। सो ये मेडिकेशन के वजह से हेयर फॉल होता है ये सच है, क्योंकि मैं अपना BED पढ़ रही थी, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तब मुझे एक्चुअली मैं टाइम नहीं मिलता था, मैं इतना ठीक से खाना भी नहीं खाती थी टाइम पर, छोटे से स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर मुझे डॉक्टर ने 6 months का कोर्स दिया था। ड्यूरिंग दैट मेडिकेशन फॉर 6 months मैंने अपने बालों को इतना गिरते हुए देखा है। मैं बालों को स्टोर करती हूँ फॉर सम रीज़न, सो इसलिए ड्यूरिंग मेडिकेशन मेरा बाल बहुत ज़्यादा गिरा था। और जो मुझे अभी देख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स या कोई भी आंटीज देख रहे हैं, उनको पता था मेरे बाल का थिकनेस कितना था उस टाइम पे। मेडिकेशन जब आप ले रहे हो, जब आप हाई डोज मेडिसिन लो या कोई भी मेडिसिन लो, उसका बालों से कनेक्शन होता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। उसके बाद जब मैंने बंद कर दिया और अपना फिर मैंने अपना स्किन केयर हेयर केयर शुरू किया, तब वो लाइन में आ गया। अब आप मेरे बाल देख सकते हो, ठीक ही है, टच वुड। स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम, क्या आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है? इनफैक्ट अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और स्कैल्प बहुत ही खराब रहता है तो वहाँ पे आपको पैचेस भी दिखना शुरू होगा। अगर बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कंसर्न अ डॉक्टर। उसको ऐसे स्टेज में लेके जाओगे कि उसको क्योर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी टाइम में बहुत हेयर फॉल होता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने पर भी आपका हेयर फॉल ज़्यादा होता है। थायराइड की प्रॉब्लम है तो उन लोग को पता होगा कि उनका हेयर फॉल कितना होता है और उसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी हेयर फॉल अगर हो रहा है तो प्लीज़ उसके मेजर्स लीजिए। अच्छा स्किन केयर जैसे आप करते हो वैसे ही, सी मेकअप करके तो आप सब कुछ, हमारे डार्क स्पॉट्स,
सब कुछ, हमारे डार्क लिप्स सब कुछ हम हाइड कर सकते हैं, बट बालों को तो हाइड नहीं कर सकते हो ना. सो डू टेक अ मेजर्स फॉर हेयर फॉल. बहुत घरेलू नुस्खे बहुत सारे हैं जो आप अच्छे से यूज़ कीजिए. ये नहीं है कि एक बार दो बार, प्लीज़ उसको यूज़ करते जाइए तब. बट एक्सेसिव है तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर. आपको डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बहुत पसंद है, आपको बहुत सारे क्लच प्लकर्स पिंस बहुत अच्छे लगते हैं और डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाते समय आप उसको यूज़ करते हो, बट संभाल कर क्योंकि वो भी आपको हेयर फॉल दे सकते हैं. एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने कहा था कि क्यों डिफरेंट हेयर स्टाइल में वीडियोस शूट नहीं करते हो, सेम है वही रूटीन एक छोटी में क्यों शूट करते हो. सी आप मानोगे नहीं, मैं ना पिंस बहुत कम यूज़ करती हूँ. ओकेजनली मैं कभी भी बाहर जाऊँ या किसी पार्टीज फंक्शन तभी मैं यूज़ करती हूँ, नहीं तो मेरा कभी भी मैं नॉर्मली कहीं जा रही हूँ या घर में भी हूँ मैं लूज चोटी प्रेफर करती हूँ और मैं टाइट चोटियाँ भी नहीं बनाती. देखती रहती हूँ कि लड़कियाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाती, बहुत क्यूट भी लगते हैं हम लोग जिनके लंबे बाल हो या छोटे बाल हो, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बहुत सारे हैं. आप बनाते हो, ऐसे खींचते हो, ऐसे खींचते हो, माई गॉड मैं नहीं खींच कर सकती. और अगर मैं ऐसे डिफरेंट हेयर स्टाइल्स करूँ भी ना तो मेरा बाल मानता ही नहीं है, मुझे निकालना ही पड़ता है क्योंकि वो बहुत टाइट हो जाता है और ऐसे खींचने जैसे लगता है, इसलिए मैं डिफरेंट हेयर स्टाइल्स नहीं करती. तो ये सारे कारण हो सकते हैं आपके हेयर फॉल को. क्या हेयर फॉल को हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते. आप हेयर फॉल को पूरी तरह से कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते. एवरी मॉर्निंग व्हेन यू कॉम योर हेयर आप देखोगे कि हेयर फॉल होता है. ये भी कॉस्टली प्रोडक्ट्स आप क्यों ना यूज कर लो, फिर भी हेयर फॉल होता है. सो सेलिब्रिटीज हो या हम जैसे नॉर्मल पर्सन हो, हेयर फॉल कॉमन है सबके लिए. सो एवरी टाइम यू कॉम हेयर फॉल होता है. ट्रीट कर सकते हो, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हो. कैसे ट्रीट कर सकते हो? अपने हेन्ना के वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोलूँ क्योंकि हेयर रिलेटेड का टॉपिक है. केमिकल शैम्पूस यूज करना प्लीज, मैं तो बोलूँगी स्टॉप कर लो. नहीं, अगर आपको केमिकल शैम्पूस में कोई भी शैम्पूस बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी स्मेल, पहले मैं शैम्पूस क्यों खरीदती थी पता है? उसके स्मेल को लेकर खरीदती थी. इतना पता नहीं होता था ना, जो भी शैम्पू का स्मेल अच्छा लगा, हाँ वेरी नाइस, बाल में बहुत अच्छी सी लाइक स्मेल आएगा, फ्रेग्रेंस आएगा, तो खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया. जब मैं धीरे धीरे समझने लगी कि हमें क्या खरीदना चाहिए, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, केमिकल फ्री शैम्पूज यूज करो जिसमें पैराबेन नहीं है, SLS नहीं है. अगर आप डेली बाहर जाकर वर्क कर रहे हो तो आपको माइल्ड शैम्पू से आप डेली अपना बाल वॉश कर सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस, 3 दिन में एक बार तो आपको वॉश करना पड़ेगा या 2 दिन में एक बार तो वॉश करना पड़ेगा. नेक्स्ट, वॉश करते समय आप गीले बालों में कभी भी कोम्ब मत करना. नेवर कोम्ब योर वेट हेयर, कभी भी नहीं. बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा आपको, मिनिमम 3 to 4 liters. एक बार आप अपना वाटर इनटेक भी चेक कर लो. अगर आप वाटर कम पीते हो तभी भी आपको हेयर फॉल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी. ईट बैलेंस्ड डाइट, आप ये भी देख लो कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है. अगर आप जंक फूड ज्यादा खाते हो तभी भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी. सो आपका फूड ऐसा होना चाहिए कि वो बैलेंस्ड हो. सो यू हैव टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट. नेक्स्ट, एसेंशियल ऑयल्स. सी पहले है ना, एसेंशियल ऑयल्स कुछ पता ही नहीं था हमें, बट आजकल हम इतना सुन रहे हैं एसेंशियल ऑयल, वो सच में बहुत अच्छे भी हैं. मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि तो मेरा वीडियो एसेंशियल ऑयल देख के पक्का मंगाना, एटलीस्ट एक हेयर के लिए, एक फेस के लिए, नहीं तो 2-in-1 भी होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी. एसेंशियल ऑयल के ऊपर वीडियो एक बार देखना जरूर, और बहुत जल्दी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एसेंशियल ऑयल यूज करना शुरू कर लो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है आपकी स्किन को और हेयर को भी. सो ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन हेयर फॉल मैंने आपको दे दिया है. आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा. ज्यादा नहीं, आपको देखना पड़ेगा ना, इंस्टेंट DIY हेयर ऑयल देख लो. इंस्टेंट DIY हेयर ऑयल, ये DIY के बहुत फायदे हैं आपको. अगर आप अपना अभी आप ये शुरू कर लो जो मैंने इंस्टेंट हेयर ऑयल बताया है, और आप उसको भी वंस लगा लिया, काम नहीं आया, अरे इसने तो बेकार सा हेयर ऑयल बताया, ऐसे नहीं है. आप जब भी यूज करो प्लीज ये, सी जो मैं हेयर ऑयल बता रही हूँ प्लीज फॉलो करो, वो आपका रूटीन में डाल दो, हेयर रूटीन में, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा. पहले सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट्स, लाइक एंड शेयर.